कर्नाटक में शुरू हुए हिजाब विवाद के बाद इस मुद्दे पर देश भर में तनाव का माहौल है। इस बीच AIMIM नेता और हैदराबाद सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने हिजाब को लेकर बड़ा बयान दिया है। ओवैसी ने कहा कि एक दिन हिजाब पहनने वाली महिला ही देश की प्रधानमंत्री बनेगी। और आपको बता दें, उधर कांग्रेस नेता जमीर अहमद ने कहा कि हिजाब न पहनने से रेप होते हैं। भाजपा नेता और केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने कर्नाटक हिजाब विवाद मामले को प्री प्लान्ड साजिश बता दिया। जम्मू कश्मीर के पूर्व सीएम फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि कुछ लोग हमें धर्म के आधार पर बांटकर चुनावी लाभ लेना चाहते हैं। वहीं महबूबा मुफ्ती ने कहा कि बीजेपी मुसलमानों के सभी धार्मिक चिन्हों को खत्म कर देगी। कर्नाटक के उडुपी में भाजपा विधायक रघुपति भट्ट ने इस पूरे विवाद को पाकिस्तान की साजिश बता दिया। उन्होंने सरकार से इसकी जांच करने की मांग की है। उडुपी से ही हिजाब विवाद शुरू हुआ था।